बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं बहुत ज़बरदस्त चिकन रोल बनाना सिखा रही हूँ, चिकन गार्लिक रोल। इसके लिए हमें एक आधा किलो चिकन बोनलेस लिए, नमक, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च और गरम मसाला लिया, दही लिए 1 कप में मैंने, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चमचा है, और ये है जर्दे का रंग और पिसा हुआ, ये गरम, ये है ज़ीरा भुना हुआ। अब हम इसमें सब चीज़ें शामिल कर देंगे। गरम मसाला है, काली मिर्च है 1 चमचा, पिसी हुई मिर्चें हैं, सब चीज़ें 1 1 चम्मच हैं, और कुटी हुई मिर्च और नमक, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे इसमें चिकन में। और तकरीबन 1 आधे घंटे के लिए हम रख देंगे इसे फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए। और ये भुना हुआ ज़ीरा है कुटा हुआ, आधा चम्मच डाला है मैंने, 1 चम्मच हल्दी का रंग, 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, और दही है 2 बड़े चम्मच ले लें या 1 प्याली ले लें छोटी। इन सबको मिक्स करके अच्छी तरीके से हम रख देंगे फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए। आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, और अगर जल्दी है तो इसमें नींबू लगा के रख दें, या उसमें सिरका 1 चम्मच डाल दें तो जल्दी गल जाएगी चिकन। वैसे तो 1/2 घंटे से ज़्यादा रखना चाहिए इसे, 1/2 घंटे बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 घंटे तो ज़रूरी रखें, वरना तो ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं इसे हम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। अब हम इसके सॉस बनाएंगे, यानी गार्लिक सॉस। इसके लिए हमने 1 कप दही ली, 1 बड़ा चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और ये मायोनीज दी है, मायो गार्लिक जो होती है, 2 चम्मचे नमक लिया है, और ये भुना हुआ ज़ीरा लिया है कुटा हुआ 1 चमचा छोटा, आधा चम 1 बड़ा चम्मच था तो मैंने आधा इसमें डाल दिया और आधा चिकन में, और 1 गार्लिक को मैं इसमें डाल दूंगी क्रश करके, इससे कद्दूकस से। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको, सॉस को कांटे की मदद से कर लेंगे तो ज़्यादा सही से हो जाएगा मिक्स सब चीज़ों को। बहुत मज़ेदार सॉस होता है ये, कराची में बहुत ज़्यादा फेमस है, हर जगह मिलता है, हर इलाके में इसकी शॉप होती है, यकीनी तौर पे चिली गार्लिक सॉस की रोल जो होते हैं ये सॉस के साथ। अब हम इसके लिए चिकन को जो हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया था 1/2 घंटे के लिए, उसको बनाएंगे। और ये प्याज लेंगे हम, लच्छे जो होते हैं प्याज के बारीक, यानी काट लेंगे गोल गोल, और वो रखेंगे उसमें। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के लेंगे पैन में, और फिर चिकन डाल देंगे जो मैंने मैरिनेट करके रख दी थी 1/2 घंटे के लिए। ये फौरन ही गल जाती है चिकन 5 से 10 मिनट के दौरान। अब इसके बीच में हम प्याज का छिलका रख के, और वो जो मैंने कोयले को अंगारा से बना लिया था नाक पे रख के दहका लिया था, अब इसको रख दूँगी ताकि इसका धुआं जो लग जाए इसमें चिकन में, बारबेक्यू का स्टाइल आ जाए इसमें, इसकी स्मोक इसमें लगा दूँ। ढकना ढक के रख देंगे, और फिर 1 दफ़ा और ऑयल 1 चम्मच डाल के कोयले पे। अब हम इसका पराठों के लिए मैदा लेंगे, 2 मैंने 1/2 किलो मैदा लिया है, और इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के डालूँगी, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। नमक नॉर्मल आप डालें, बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, बहुत एहतियात से नमक को शामिल करना चाहिए, जो चाहे जो भी आप पका रहे हो उसे नमक की एहतियात करें उसमें हमेशा। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे, पहले अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसे पानी डाल के गूंद लेंगे। नॉर्मल आटा, यानी ना सख्त हो ना या बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए इसे। ये देखिए अच्छा नॉर्मल सा आटा गूंद के मैंने। अब
हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे और थोड़ा सा ऊपर से, और फिर एक दफ़ा भून के रख देंगे। इसे भी 10 से 20 मिनट के लिए आप रख दें तो ये सेट हो जाता है आटा, इससे अच्छे पराठे बनते हैं। फिर मैंने रख दिया था आटा, मैं पराठे बनाऊंगी इसके। बहुत मज़ेदार होते हैं, आप इसे घर में लंच में या डिनर में बना सकते हैं, या बच्चों के उसके लिए रख सकते हैं आप लंच में देने के लिए। इसकी चिकन बना के रख लें और इसका आटा आप गूंद लें, मैं देखो गूंद के रख लें पराठे के लिए, बना के दे दें इसे पैक करके आप। बहुत सही रहता है लंच के लिए तो, ख़ास तौर से बच्चों को मज़ा आता है खाने में, इसे पेट भी भर जाता है उनका। इसके पराठे को हम सेक के या ज़्यादा तलने वाला भी तल सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिका हुआ ज़्यादा बनाऊँगी। एक एक चम्मच ही इसके आगे पीछे लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी इसे ऑयल में। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या ज़्यादा घी में तल सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा पराठा हमारा बन गया, खस्ता सा। अब हम इसमें सॉस लगाएंगे। चिकन को आप अपने लिहाज से रख सकते हैं, जिस तरह आप खाते हैं, बस आपके वो है, आप पे डिपेंड करता है जितनी भी आप डाल लें इसमें। वहाँ पे प्याज रख के हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से दोनों रोल तैयार है, मायो गार्लिक रोल तैयार है। आप इजाज़त दें और ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।